बिहार के जहानाबाद में लंबे समय से अटकी 2011 होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। शहर के एरोड्रम स्टेडियम में अभ्यर्थियों की भीड़ सुबह से ही जुटने लगी थी। हुलाड़गंज प्रखंड के 1038 अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों को परेशानी न हो इसके लिए स्टेडियम में कई काउंटर बनाए गए। काउंटर पर ही अभ्यर्थियों को उनका नंबर आवंटित किया गया। नंबर के आधार पर बहाली की प्रक्रिया दौड़ से शुरू की गई। 1.6 किलोमीटर की दौड़ में सफल होने के बाद प्रतिभागियों ने अगली प्रतियोगिता लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक में भाग लिया। फिजिकल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की देखरेख स्वयं एसपी दीपक रंजन कर रहे थे, तो वहीं होमगार्ड बहाली को लेकर बनाए गए चयन समिति के सभी सदस्य पुलिस स्टेडियम में मौजूद थे। उस समय क्या एज थी आपकी? उस समय 30। अभी क्या एज हो रही है? अभी 42 हो गए। 42 हो गई, शादी ब्याह तो हो गए होंगे? शादी ब्याह हो गए। बाल बच्चे भी हैं? चार बच्चे हैं। तो इसकी तैयारी कर रखे थे दौड़ की? बच्चे बीएम पढ़ रहा है, वो इंटर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप अपनी बहाली की तैयारी कैसे किया? आप वही देखे तो 6 महीना मैंने मिला तो 15-20 दिन में दौड़ की है। उसके बाद फिर आए यहाँ पर। अच्छा, तो तैयारी है? तैयारी तो लगल है। अच्छा, तो क्या लगता है 6 मिनट में तो दौड़ की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? हिम्मत तो बना रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे। पूरा कर लेंगे। तो क्या एज का कुछ अंतर नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ेगा, बाकी फिर भी क्या करें, बनाना है ना। क्या लगता है कि एज के अनुसार कुछ छूट भी मिलनी चाहिए थी? अब तो भाई जो समय आएगा तब बताएंगे, अभी तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या लगता था कि छूट होनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ, छूट भी इसका होना चाहिए। जैसे हमको 42-43 हो रहा, तो सरकार को तो इसमें कुछ छूट देना चाहिए था कि हाँ भाई 11 साल के बाद उनको बहाली लिए। अच्छा, तो ये तो सरकार को करना चाहिए। कितने लोग के बैच में दौड़ा जा रहा? ये सर पूरा बैच है, 2 नंबर का 27-30 बैच के बीच में रहेंगे। 30-30 लोग के एक बैच है ना? 30 बैच के बीच में रहेंगे। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? हम हुलासगंज से आए हैं, चिड़ी पंचायत ग्राम चैती दीपक। अच्छा, क्या नाम हुआ? संजीवन दास। 11 में भरे थे सर। हाँ, 22 हो रहा है। अच्छा, तो उस समय क्या एज थी आपकी? उस समय सर 27-28 से ज़्यादा पार हो गया। अच्छा, अभी के 42 पकड़। अच्छा, अभी तो आप लोग के बाल बच्चे भी होंगे? बाल बच्चे भी होंगे अभी? जी, क्या रहे, बच्चा बीए करने आया, वो बच्ची इंटर भी करती, इंटर करके उसका शादी कर दी। हाँ, दो बच्ची आओ। अच्छा, तो आ गया तो सर सोचे कि चले। एज का फर्क पड़ेगा दौड़ने में? जी पड़ेगा ना। तो क्या लगता है तो क्या लगता है कि छूट उठ रहनी चाहिए थी आप लोग को? जी, कुछ छूट भी मिलनी चाहिए थी इतने साल के बाद बहाली हो रहा था। क्या मिलना चाहिए सर? मिलना था जो पहले ही 13-14 में निकलता था, हो जाता। उधर बहाली प्रक्रिया का निरीक्षण करने आए एसपी दीपक रंजन ने कहा कि होमगार्ड पुलिस बल का एक महत्वपूर्ण अंग है, चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। हो रहा है और इसमें तकरीबन 350 से ऊपर लोग आए हैं, पर डे 1200 का उन्होंने रखा है और उस हिसाब से विभिन्न इवेंट्स हो रहे हैं। पहले क्वालिफाइंग दौड़ किया जा रहा है, उसके बाद जो भी इवेंट्स हैं उन सभी को देखा जा रहा है। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। जितने भी यहाँ मेजरमेंट करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं, सभी लोगों को प्रॉपरली उनको देखा जा रहा है, इंस्पेक्ट किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इस बहाली प्रक्रिया को ससमय पूरा भी कर लिया है। सर, 11 साल बाद बहाली हो रही है, कई लोग अभ्यर्थी की मांग है कि कुछ दौड़ में हम लोग की छूट दी जाती, रियायतें दी जाती। जो भी रूल और रेगुलेशन है उसी के हिसाब से काम किया जाएगा और जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर हैं उनसे हट के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ये विशेष निर्देश कल भी ज्वाइंट ब्रीफिंग में दिया गया है। जो भी नियम है और जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों के आधार पर करना चाहिए। मौके पर DDC, SDPO समेत सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मौजूद थे। बताते चलें कि वर्ष 2011 के जून माह में होमगार्डों की बहाली के लिए विज्ञापन निकला। होमगार्ड बनने के लिए 12,044 अभ्यर्थियों ने तब आवेदन भी दिया, जिसे लेकर जिले में होमगार्ड के 229 पदों पर बहाली होनी है। आज से शुरू हुई बहाली प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी। पंजाब केसरी TV के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।